नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल पांडे। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व को लेकर छिड़ी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की सियासी जंग का पटापेक्ष होता दिख रहा है। दोनों के बीच समझौते के अब तक हुए प्रयास विफल ही रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद मंगलवार को अखिलेश और शिवपाल यादव की राहें अलग दिखाई दी। चाचा और भतीजे ने एक ही दिन दो अलग अलग शहरों से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश ने जहां कानपुर से विजय यात्रा निकाली, तो वहीं शिवपाल ने मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया। अखिलेश यादव अपनी चुनावी यात्रा के दौरान भाजपा पर हमलावर रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा दिया है, रोजगार छीने हैं, महंगाई बढ़ी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गंगा पुल से शुरू हुई इस यात्रा में लाल टोपी पहने और पार्टी के झंडे लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आगे इसी तरह से यह यात्रा आशीर्वाद के लिए बढ़ती रहेगी। इधर शिवपाल यादव ने भी मथुरा से चुनावी बिगुल फूंका। शिवपाल यादव ने 28 सितंबर को अपने बेटे आदित्य यादव के सहकारी बैंक के सभापति के निर्वाचन के दौरान कहा था कि वह सपा से समझौते का 11 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। अगर जवाब आता है तो कोई बात नहीं, और अगर जवाब नहीं आता तो वह अपनी चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। सोमवार को शिवपाल की सपा को दी गई अंतिम तारीख निकल गई, लेकिन सपा की ओर से समझौते को लेकर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मंगलवार को शिवपाल यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर चुनावी शंखनाद सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ कर दिया। शिवपाल की रथ यात्रा श्री कृष्ण की जन्मास्थली मथुरा से शुरू होकर आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौर होकर रायबरेली जाएगी और इसका समापन 27 नवंबर को होगा। ऐसा माना जा रहा था कि अगर शिवपाल और अखिलेश एक साथ आते हैं तो सपा का जनाधार बढ़ेगा, भाजपा को इससे नुकसान हो सकता है। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के जवाब का 11 अक्टूबर तक इंतजार किया, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार ही रहा। शिवपाल और अखिलेश यादव ने एक ही दिन चुनावी यात्रा शुरू की है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये कहें कि अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे का वोट प्रतिशत कम करेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा दूसरी विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। कानपुर से विजय यात्रा शुरू करते समय अखिलेश ने कहा है कि किसान, युवाओं और व्यापारियों सबसे आशीर्वाद लेने के लिए समाजवादी रथ यात्रा चला है। भाजपा की सरकार को हटाने के लिए समाजवादी रथ की विजय यात्रा शुरू हुई है। किसानों और कानून को रौंदने वाली सरकार हटानी है, यह दोबारा सत्ता में आई तो कहा संविधान को भी कुचल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए ये रथ यात्रा चलती रहेगी। भाजपा की सत्ता जाने वाली है, हम जनता के बीच में विजय रथ यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।